इमरान खान जिंदाबाद, सिंचाई जिंदाबाद, खाना इशारा क्यों? अब क्यों? तो नाज़रीन, ज़मान पार्क में हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक ही फैमिली के चंद अफराद जो हैं इकट्ठे बैठे हैं। आइए इनसे बातचीत भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अभी रिसेंटली सर्च ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद इन्हें डर खौफ की मतलब एक लहर दौड़ गई थी लोगों में, लेकिन इनको डर खौफ मतलब नहीं रहा और ये फिर भी ज़मान पार्क में अपनी पूरी फैमिली को लेकर बैठे हैं। इनसे पूछते हैं क्या जज्बा है और क्या इनके पैशन है टुवर्ड खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह इधर बड़ी मतहरक नज़र आती हैं। हाँ, तो मतलब ये क्या जज्बा है, आपको डर खौफ नहीं, मतलब इस उम्र में आप मतलब जाके घर में कंफर्ट जोन को प्रेफर करने के बजाय आप खान साहब के लिए ज़मान पार्क में बैठी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदू व इयाका नस्ताईन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस उम्र में आपने क्या कहा, मतलब क्यों कहा इस उम्र में? आपको पता आंटियाँ लड़ पड़ती हैं। मेरी मामा की माशाल्लाह 45 ईयर एज है, तो वो तो मतलब नहीं। आपकी मामा हूँ बेटा। सबसे पहले मैं माशाल्लाह से जब आप लोगों का मैं देखती हूँ ना, ये देखें, आप लोगों ने बेड़ा उठाया है, ठीक है ना, अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। आप लोगों का ये फ़र्ज़ आपने अपने ऊपर कर लिया है कि आपने एक एक चीज़ दिखानी है, हाईलाइट करना है। इसी तरह हमारा हक है कि हम अपने जज्बात जो है ना वो आपको बताएं। जो हम यहाँ पे जमा हैं, इसका जो सबसे सारी दुनिया जानती है कि हम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। इसमें ये जो इम्पोर्टेड सरकार है 14 जमातों की, ये हमें किसी सूरत भी मंजूर नहीं है। और इन जो हमारी अदालतों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, हमारे किसी भी महकमे ने, किसी भी अदारे ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, हमें अवाम पाकिस्तान समझना तो दूर की बात, हमें भेड़ बकरियां तक भी नहीं समझा गया, क्योंकि भेड़ बकरियों को, जानवरों को कोई इतनी बेदर्दी से नहीं मारता। और किसी भी महजब माशरे में माओं बहनों बेटियों के सर से चादरें नहीं उतारी जाती। यहाँ पे वो कुछ हुआ है, वो कुछ हो गया है और हो रहा है कि जो हम मकबूजा कश्मीर में देखते थे तो हमारे दिल दहल जाते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो जज्बा ईमानी है, जब हमारे लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी जान है, उनके बगैर कल हमारे पे क़यामत का दिन था। हमें खौफ था कि अल्लाह, अगर हमारे लीडर को कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि रब ने उनकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ले ली है और हम दूसरी ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम डट के खड़े हुए अपने प्यारे लीडर के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक हम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं और निकलते रहेंगे, और इंशाल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को आज़ादी दिलाकर ही दम लेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये ज़मान पार्क के बराह रास्त मनाते हैं, यहाँ पर बन रही है चाय, ज़बरदस्त चाय। नाज़रीन, ये आप देखें, कारकुनान जो हैं वो अपनी मदद, आप कभी ये इन्होंने घर में कोई जो है काम नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ ज़मान पार्क में इनको सारे काम करने पड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कभी आपने घर में भी इस तरह चाय बनाई है, काम किया है? घर में तो कभी नहीं किया, लेकिन इस वक्त क्योंकि जो मुल्की हालात हैं, हम एक आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी के लिए आपको खाने बनाने पड़ रहे हैं, चाय बनानी पड़ रही है? देखें, कुर्बानी तो देना पड़ती है ना किसी भी तहरीक के लिए, किसी भी आज़ादी के लिए। आपको आज़ादी बगैर कुर्बानी के तो नहीं मिलती ना। अपनी बेगमात के दुख महसूस हो रहे हैं कि वो किस तरह खाना बनाती थी? बेगमात ने कभी बनाया ही नहीं, उसके लिए मुलाजिम है। अच्छा अच्छा, बड़े लोग। अच्छा, अब आप जो है चाय बना रहे हैं, इतनी चाय किसके लिए बना रहे हैं? कारकुनान के लिए बना रहे हैं? ये जितने हमारे मेहमान आए हुए हैं, जितने कारकुन पूरे लाहौर से इकट्ठे हैं, उन सब के लिए चाय बन रही है। वाह 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 वाह, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए बिल्कुल खड़े हो जाएं, क्योंकि एक मर्द मुजाहिद इमरान खान इस बोसीदा गले सड़े निज़ाम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और सारे माफिया से वो अकेला टकरा गया है, और इस तहरीक को कामयाब करने के लिए पूरे पाकिस्तान को उठ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कल ऑपरेशन किया खान साहब के घर पर और उनकी चादर चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया, उसके बाद जो है यहाँ पर कारकुनान मौजूद नहीं थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि दोबारा से यहाँ रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं, दोबारा से कारकुनान का यहाँ पर इकट्ठ जो है वो शुरू हो चुका है, यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। क्या अगर दोबारा से अभी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ऑपरेशन दोबारा से किया जाएगा, दोबारा से वो इस तरफ को उनका पड़ाव जो है वो? देखें, जब घर पे शेर नहीं होता ना तो कुत्ते हमला कर ही देते हैं। घर खाली था, कुत्ते घर खाली देखकर अंदर आ गए हैं और उन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल की है।
लेकिन इंशाल्लाह ताला ना हमारे हौसले पस्त हैं, हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद है। 10 दफ़ा आके रेड करें, हमें अपने लीडर की हिफाजत करना आती है, इसलिए हम मौजूद नहीं थे, लेकिन अब बिल्कुल हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देखें कितनी तादाद में मौजूद हैं, ये हम लोगों की जान से गुजर कर फिर खान साहब तक पहुँचेंगे, उससे पहले ये खान साहब तक नहीं पहुँच सकते। चलें जी, बहुत शुक्रिया। 2 मिनट का बन गया था।